मैट्रिक मंदिर की सुनाई से होगा, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष बच्चे मानव कल्याण सेवा समिति जुगसलाई। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। पुष्प की होली पूरे झारखंड में विख्यात है और इसका टैगलाइन भी है नर सेवा नारायण सेवा। तो इस बार की पुष्प की होली किया जाएगा, बहुत धूमधाम से किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हमारे साथ है और तमाम टीम इसकी तैयारी हो चुकी है। और हम बात करना चाहते हैं कि इस बार की पुष्प की होली में स्पेशल क्या रहेगा। इस बार जो फूलों की होली हो रही है उसमें कलकत्ता से विशेष रास गरबा के लिए हमने राधा कृष्ण और उनके साथ गोपियों का जो है रास गरबा रखा है। साथ ही साथ राम दरबार हम लोग के साथ में चलेंगे। अभी जैसे अयोध्या में जो है राम जी का विराजमान हुए हैं और स्थापना हुई है, तो हम लोग इस बार राम दरबार का भी एक तो जो है झांकी प्रस्तुत करेंगे। और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है जो वृंदावन में जो लठमार होली होती है, वो लठमार होली जो है वो गोपियाँ और कृष्ण जी जो है साथ में एक भव्य गाड़ी में जो है वो करते हुए चलेंगे। तो इस बार का मेन आकर्षण रहेगा लठमार होली और उसका दृश्य आपको दिखेगा। और कौन कौन चीफ गेस्ट आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे श्री बन्ना गुप्ता आपदा प्रबंधक, उनके साथ में सहपत्नी आने की बात है, वो यहाँ हम लोगों को सही ये करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में उन्हीं को हम लोगों ने बुलाया है। कितने टीम रहते हैं आप लोगों पूरे इस होली आयोजन करने के? हम लोगों के साथ में काफ़ी संस्था जुड़े हुई है, हमारे टीम में 21 मेंबर हैं। हम लोगों का टीम पूरा इसमें सम्मिलित रहता है, ऐसा परिवार। और इनके अलावा कुछ सहयोगी संस्था है, जैसे अग्रवाल सम्मेलन हुआ, मारवाड़ी युवा मंच हुआ, मारवाड़ी सम्मेलन हुआ, रानी सती सत्संग हुआ, इस तरीके के काफ़ी लोग हम लोगों के साथ में इन्वॉल्व है। और काफ़ी लोग साथ में राजस्थानी ब्राह्मण संघ है, जिनके यहाँ हम लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो इस तरीके के सब लोग हम लोगों मिलजुल के भाईचारा के साथ में ही सारा होली का सवाल होता है। जिस प्रकार अभी होली में रंग स्किन के लिए बहुत हार्मफुल हो गया, जल के लिए भी बहुत संरक्षण करने की ज़रूरत है, तो यह होली जो पुष्प की होली है, क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में होली के इस पर्व में? कि आजकल के बच्चे लोग जो है स्किन को लेके बहुत ज़्यादा ही कंसेस होके रखे हैं कि रंग लगेगा तो हमारी स्किन ख़राब होगी, उसके डर से भी लोग जो है बच्चे लोग आज महिलाएं लोग जो है होली खेलने से कतराती है। तो हम लोग के जो फूलों की होली है इसमें हम लोग नेचुरल हर्बल गुलाल जो है वो और सिर्फ फूल इसी के साथ खेलते हैं। हम लोग कोई भी पानी या कोई भी पक्के रंग का जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है यही संदेश देते हैं कि जब वृंदावन की तर्ज पे जो राधा रानी जो हम लोग के साथ जब साथ में चल रहे हैं तो हम लोग सिर्फ फूलों की और जो है हर्बल गुलाल की होली खेलते हैं। इससे देखिए पर्यावरण को भी बहुत अच्छा है और साथ साथ पानी की भी बचत हो रही है, क्योंकि आज के समय में जो पानी की किल्लत है वो आने वाले पीढ़ी के लिए ये बहुत ही जो है घातक सिद्ध होगी। तो इससे पानी की भी जो है जितनी हम बचत कर सके वो हम लोग कोशिश करते हैं। यह होली का टैगलाइन है नर सेवा नारायण सेवा, और यह सोच भी दर्शाता है कि जिस प्रकार पानी और इन्वायरमेंट के लिए जितना सजग होना चाहिए वह भी यह समिति जरूर काम करती है कि आप होली का पर्व एंटरटेनमेंट के साथ साथ सौभाग्य और धार्मिक भी है, जिसको आप हुल्लड़ में नहीं कीजिए। और यह होली दर्शाता है कि आप पुष्प की होली कीजिए और घर में जाकर अपने परिवार के साथ अच्छा अच्छा पकवान लीजिए। और यह मानव कल्याण सेवा समिति के द्वारा 25 मार्च को यह निकाला जाएगा। कहाँ से? राम टेकरी मंदिर से हम लोगों का ये चालू होता है, जो कि घूमते हुए रास्ते में मटकी फोड़ का कार्यक्रम वगैरह होते हुए रानी सती मंदिर से घूमते हुए फिर वापिस आके यहीं पे हम लोगों का राम टेकरी मंदिर में अल्पाहार के साथ में समापन होता है। चलिए यह होली आप भी देखिए और दिखाइए और समझिए कि होली कितना महत्वपूर्ण है इन्वायरमेंट के लिए, इकोनॉमिकल के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्किन को आपको बचाना है उसके लिए भी होली यह आदर्श होली है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।